अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देखें हमारी स्पेंडिस, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मानी। और फाइनली आज 2 हफ्ते बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा बिजी था, तो अभी भी वैसे मैं बिजी था, इसलिए मैंने घर में छूटने की लेट हो रहा था। मैंने कहा चलो रेस्ट टाइम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। यूनिवर्सिटी में 3 लेक्चर्स थे बट 2 कैंसिल हो गए हैं। ये एक जो था वही मैंने मिस करवा देना था, बट वहाँ पर उसकी असाइनमेंट थी तो इसलिए जाना पड़ा। आपको आप लोगों को तो पता है कि हमारे जैसे बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट और क्विज़ से ही पास होते हैं, एग्ज़ाम में तो बहुत बुरे हालात होते हैं, तो इसलिए मजबूरी थी। और मज़े की बात यह है कि मैंने अभी असाइनमेंट की भी नहीं है, यूनिवर्सिटी जाके करनी है। और उसके बाद मैंने जाना है एक सेमिनार में, सनी अली का, शायद आप लोगों को पता हो, जिनको जो ई कॉमर्स से रिलेट करते हैं उन लोगों को तो पता होगा सनी अली कौन है। तो उसका सेमिनार था, वहाँ भी जाना है फास्ट यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर कुछ डिस्कशन वगैरह भी होंगी, तो उसके बाद थोड़ा मैंने एक्सप्लोर करना था, दोस्त के साथ जाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं आपसे। जी फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी और मेरे साथ ये भी हैं। कौन है ये? मैं तुम्हारा दोस्त। अच्छा, इसको मैंने लेके जाना था लेकिन इसने ऑफिस जाना, तो ये नहीं जाएगा हमारे साथ, वो जाएगा। ये वाला बंदा the one and only डंगर ऑफ PUCRT। अभी लेक्चर लेना है, लेक्चर एक ही है वो लेके, उसके बाद जो है जाना है सनी अली का जो सेमिनार है वहाँ पे। सर, हम आ गए हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे आना है सनी अली ने, और अभी हम जाएंगे। यार ये ना बोंगियाँ मारते रहता है। नाम क्या देना, तूने नाम नहीं बताया मेरी ऑडियंस को। आई एम फास्टियन, आई एम अहमद सईद। ये ना इसको बैच कहीं से पड़ा हुआ मिला, इसे उठा ली। पड़ा हुआ नहीं मिला, स्टेज पे बुला के दिया उन्होंने। अच्छा, तो अभी हम अंदर जाएंगे ऑडिटोरियम में, स्पीच वगैरह जो भी होगी। बेसिकली मैं आया हूँ यहाँ पे डिस्कशन के लिए, ई कॉमर्स की डिस्कशन के लिए, लेकिन अब देखते हैं वहाँ पे होती है या नहीं होती। तो अंदर चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए बस एक क्विक कुछ पॉइंटर्स मैं दे देता हूँ। सबसे पहले मैं है और वो ट्रैक ये है कि बेटा आपने 3 से 4 साल अपनी डिग्री करनी है और डिग्री करने के बाद आपने मार्केट में उतरना है और जॉब से अपना करियर स्टार्ट करना है। आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। जॉब अच्छा, सनी अली का जो सेमिनार है वो हो चुका है, अब जो है डिस्कशन होने लगी है, जिसके लिए मैं बेसिकली आया था। सर, मैंने ये जॉब, मेरे दो फ्रेंड मुझे एक जॉब रेफर किया, जॉब रेफर किया वाया लिंक्डइन। यार हम अंदर से हवाए हैं, सनी अली ने तो वही बातें की हैं जो वो पुरानी स्पीचेस में करता रहा है, तो उसका तो इतना मैं, क्योंकि मैंने उनका पहले भी स्पीच वगैरह सुनी हुई है। गंदा बच्चा अच्छा बच्चा, हाँ वही गंदा बच्चा अच्छा बच्चा, वही वाला उनका जो है ना, वो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक आया था, कौन था वो यार, पता नहीं इसका क्या नाम था, बट ना वो बता रहा था कि आपके अपने CV का फॉर्मेट कैसे कर सकते, मतलब कि उसने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसकी बातें जो थी वो फिर भी ठीक थी। CV बनानी नहीं आती, इस वजह से इसको ये बातें अच्छी लग रही हैं। हाँ ये भी बात ठीक है वैसे। और लेकिन जिस काम के लिए मैं आया था ना वो नहीं हो सका, मैंने बेसिकली डिस्कस करना था ई कॉमर्स के रिलेटेड, बट वो ऐसा हो नहीं सका। अभी इंटरव्यू ले लेते हैं। क्या हुआ, फैन फैन, मेरे फैन आ गए यार, कौन सी फास्ट। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। इधर भी है यार, वो भी हैं, आधे ला देंगे हमने। देखने आओ कि भाई के फैन कहाँ कहाँ हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं ओके कि व्लॉग में है ना यार, वाह। अच्छा यार, हम ना सोच रहे हैं कि ना फास्ट यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, तो ना फास्ट के बच्चों से ना पूछते हैं कि यहाँ का उनके स्टडी के लिहाज से या टीचर्स के लिहाज से क्या एक्सपीरियंस है या माहौल के लिहाज से। मदरसे को बेसिकली हम फास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी को फास्ट यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करने लगे हैं, तो देखते हैं कोई मिल जैसे। उसके बाद यार वो ना असल में मेरा ब्राइटनेस ऑन हो जाएगी ना, सही हो जाएगा, व्लॉग बन रहे हैं। हाँ ये व्लॉग बन रहे हैं, आप आ गए हो व्लॉग में। अच्छा, हम ना फास्ट का कोई स्टूडेंट देखते हैं जो इंटरव्यू दे सके सही तरह, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो शुगर ही लगाते हैं। चलो देखते हैं, शुगर वाला ही मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये भी इंट्रोवर्ट है, बट कैमरा के सामने ये ऐसा करता है, बाकी ये सारा दिन जो है ना बड़ी ज़्यादा चुस्से मारता है,
तो सारे दिन मैं इसी की वजह से हंसता रहता हूँ। तो अब देखते हैं कोई बच्चा मिलता है तो उससे करते हैं इंटरव्यू। अच्छा, ये भाई भी अंदर से सेमिनार अटेंड करके आ रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कैसा रहा यार आपका एक्सपीरियंस। बहुत ज़बरदस्त, मैं स्पेशली आउटसाइड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, हम भी पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, PSET से आए हैं। अच्छा, तो सीनियर का आपने पहले अभी अटेंड किया हुआ? हाँ, मैंने पहले वो कनेक्टेड पाकिस्तान में किया था। अच्छा, उनकी तो यार मेरा ख्याल से ना उनकी वही पुरानी बातें होती हैं कि गंदा बच्चा अच्छा बच्चा, नाइट राइडर तो दिन का कौन राइडर। फिलोसफी अच्छी है उनकी, फिलोसफी अच्छी है, लेकिन वो एक ही बात बार बार, अच्छी बात बार बार ही होती है, वो चेंज तो हो सकती है। हाँ, ये भी है कि जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फायदा कोई नहीं है। और जो बाद में आए हैं, बाद में मैं इतना नहीं जानता था, लेकिन वो रिज्यूमे राइटिंग जो उन्होंने बताया वो अच्छा। हाँ, मुझे भी ना थोड़ा सा जो बातें हैं ना उनका वाला बेहतर लगा, क्योंकि मैंने ऐसे सीनियरली का पहले ये सीखने को मिला कि किसी का नंबर कैसे सेव करना है और उससे कैसे आगे कनेक्शन बन सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी। एक फास्ट की स्टूडेंट मिल गई, इनसे पूछते हैं कि आपने फास्ट ही को क्यों ज्वाइन किया? एक कोई फोकस था फास्ट या आपको अनफॉर्चुनेटली? अच्छा, ऐसे ही था, लेकिन ये था कि फास्ट मतलब हम लोग दोस्त थे ना, हम तीन चार दोस्त थे, तो हम लोगों ने इकट्ठा एंट्री टेस्ट दिया था। अच्छा, और फिर उसके बाद डिफरेंट, जब आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हो ना, तो हम लोगों ने फास्ट भी उन्हीं में से एक थी। अच्छा, मुझे फास्ट का नहीं पता था, मुझे वाकई फास्ट का नहीं पता था, बहुत लोगों को पता होता है लेकिन मुझे नहीं पता था। तो जब फिर उसके बाद मैंने एंट्री टेस्ट दिया, नाम आ गया मेरे बाबा को यूनिवर्सिटी, फिर वो लाइक कि जाओ जाओ जाओ। तो अब आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए? एक साल हो गया। तो कैसी है लाइफ यहाँ की, एक्टिविटीज़ वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं? थैंक यू। अच्छा, हमें अब दो और स्टूडेंट्स मिले हैं फास्ट के होने हार बच्चे मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपने फास्ट को क्यों ज्वाइन किया? यार, बात ये है, सिर्फ इधर किया था, हो गया, आगे अब पता नहीं जिंदगी सर क्या करना है आगे क्या नहीं। मतलब आप धक्के से ही आए हैं यहाँ पे? धक्के से ही आए। और आप? यार, मैंने एक तो बाहर अप्लाई किया हुआ था तो मेरा ना वीज़ा नहीं लगा, और दूसरा नर्स में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने CS करना था, मैकेनिकल में होगा, फिर आखिरी ऑप्शन नहीं हुई तो मैं यहीं आ गया। अच्छा, तो फास्ट की लाइफ कैसी है आपको, टीचिंग लिहाज से? बहुत ड्राई लाइफ है और कोई इवेंट नहीं है इधर, इवेंट तो छोड़ो दूसरी तरह से भी ना, जो मतलब कि आवाम वगैरह इधर की, उसका इतना सोशल इंटरेक्शन और इतना एक्सपोजर नहीं है उनके पास जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की आवाम वगैरह। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इतना अच्छा नहीं है फास्ट? ओवरऑल एक्सपीरियंस यार, जो मैंने लाइफ ए लेवल में वो गुजारी है ना, उसके बाद यहाँ के बहुत नीचे आ गए। हाँ, वो ऑब्वियसली आपने ए लेवल से होके आए हैं तो आपको ऐसे ही लगेगा। और आपका कैसा है कि लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसा है? भाई वाला हिसाब ये है, बहुत टीटे बच्चे हैं यार, कोई शुगर वगैरह लगाना नहीं आता किसी को, आते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिसके पास बैठो यार ये आज असाइनमेंट है, ये करना है भाई, आगे हैं जिंदगी से। मतलब आधे से ज़्यादा काम जो है वो थीटों ने ख़राब किया हुआ है। बहुत ज़्यादा यार। चलें यार, दुआएं चाहिए आप। बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने कि सारे हर बंदा जो है अपनी यूनिवर्सिटी तंग आया हुआ, हम भी अपनी यूनिवर्सिटी से तंग आए हैं। अच्छा यार, हम लोग समझ रहे थे कि सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना वही ऐसी है, लेकिन यहाँ पे तो हर बंदा जो है फास्ट में आके स्टूडेंट जो है वो बड़े डिप्रेस्ड हैं कि यार यहाँ पे बहुत ड्राई लाइफ है। तो मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि फास्ट में भी ऐसा कुछ होगा। हाँ, बारबेक्यू नहीं यार, मूड नहीं है। तू खिला रहा है? जस्ट ऑन कैमरा। नहीं खिला रहा, इतना बड़ा दिल नहीं है, सिर्फ इसका इतना बड़ा वजूद ही है, दिल इसका इतना बड़ा नहीं है। तो यार अब हम जा रहे हैं वापसी पे देखते हैं कि यार बॉडी शेमिंग नहीं है, बट्टू प्यार है ये मेरा इससे ना, ये सारा दिन ये बंदा मुझे हंसाता रहता है, इवन के क्लास में कभी कभी मुझे डर लगता है कि सर जो है ना पकड़ ना लें और मेरी ना, आप समझ गए होंगे, वो ना कर दें। तो अब हम निकल रहे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी से वापसी की तरफ, मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है चाबी गुम गई। अच्छा, अब निकल रहे हैं यहाँ से, रास्ते में देखते हैं कि कुछ खाना है या नहीं खाना, वैसे मैंने और जगह जाना है, वहाँ के लिए लेट हो रहा हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ रास्ते में कि क्या करना है। और ये जी ड्राइवर गाड़ी नहीं सॉरी बाइक ले आया। हाँ ड्राइवर, चलें। अच्छा यार, आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह मैं गाड़ी पे आया था यूनिवर्सिटी और अब बाइक, तो यूनिवर्सिटी वापस ले ली थी बाइक गाड़ी? नहीं यार, यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बाइक पे ही आना बनता था, क्योंकि एक तो हम सिर्फ दो बंदे थे, पेट्रोल ज़रा लग जाता है ना, आपको समझा करें, और भाई शेख भी हैं, ये बात ज़रा हाँ में रखी जाए, यू नो अंदर से सारे शेख होते हैं अंदर से। हाँ अंदर, अच्छा ये यार ये फैक्ट है, जितना मर्जी कोई बट जट चौधरी हो, अंदर से सारे शेख होते हैं, कोई शेख नहीं होते।
ये जट है, जट है, जट है। ये जट बट्टू में क्या भर गई, ये बताओ मुझे स्पेलिंग का। यहाँ पे मुझे गोरमे ले आया और ये अपने पैसों का मुझे कुछ खिलाने लगा। ऐसे टाइम नहीं था इसलिए हम खाना वगैरह खाने गए नहीं है, तो हमने कहा चलो यहाँ से थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेकिन खिलाएगा यही, मैं पैसे नहीं दूंगा। हाँ ये लोग बन रहे हैं भाई, आ जाएं आप भी आ जाएं, कैमरे में हाथ हिला दें। ये जी इसने ले लिया है, दो समोली लिए हैं और एक पेस्ट्री ली है, एक कोल्ड ड्रिंक ली है, और ये मेरे पैसे भी दे रहा है। ये आज दिल बड़ा कर लिया इसका। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है बट्टू? बट्टू में चुप लग गई है यार। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है यार, कभी कभी होता है। तो अब हम यूनिवर्सिटी आ गए हैं गाड़ी लेने और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। आज आपको दिखाते हैं यहाँ के रात के नज़ारे, ये देखें फुल अंधेरा, कोई भी नहीं है, आगे तक लेके जाते हैं गाड़ी। चला जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोहिबिटेड एरिया वहाँ पर जाएंगे, प्रोहिबिटेड। ये हमारी यूनिवर्सिटी है और हम पहली दफ़ा ये वाला नज़ारा देख रहे हैं, फुल अंधेरा हुआ है। ये बिल्डिंग दिखा, ये हमारी बिल्डिंग ए है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, और आपको बिल्डिंग बी भी दिखाते हैं। रात के पहर यहाँ पे जिन्नों का बसेरा, या मतीन साहब का बसेरा। बाकी यार अजीब सी अजीब माहौल हुआ है। व्लॉग की एंडिंग थी, मैंने कहा चलो यार आपको ना रात की दिखा देते हैं शॉर्ट्स वगैरह। ये हमारी बिल्डिंग बी है जहाँ पे हमारी लैब्स वगैरह होती हैं। आगे से मोड़ ले, आगे जगह है पीछे। अच्छा यार अहमद जो है वो चला गया है, और ना मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में हूँ और ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये देखें अजीब अजीब सा फुल ड्रोना सीन हुआ है मुझे। ओए ये क्या हो रहा है?